हमने दो गुच्छी मेथी को ना अच्छे से काट के, मतलब पहले धो लिया फिर काटा उसको बारीक बारीक। तो अभी ये काफ़ी सारी मेथी है, मैं अलग अलग डिशेज इससे बनाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको थोड़ा सा ऑयल से फ्राई करके रख लेती हूँ, है ना, क्योंकि गीली है। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और अब मैं डाल दूंगी ये सारी मेथी। इसको थोड़ा सा ना भून के रख लेंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए ना हम इसको भून लेंगे, थोड़ा सा इसका ये गीलापन अच्छे से सूख जाए। फिर हम इसको बाउल में रख लेंगे और जिस भी रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो आटा लगाना है या सब्जी बनाना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए भुनने के बाद कितनी थोड़ी सी हो गई है ना, तो हम इसको बाउल में निकाल के रख लेंगे। तो ये देखिए मेथी को मैंने बाउल में निकाल के रख लिया था, कल मैंने ये बनाई थी और इसमें से मैंने आधा कप मेथी निकाल ली है और इसका कड़वापन ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेथी के पराठे आटे में गूंथ के। तो ये लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप मैंने लिया है बेसन, तो हेल्दी बनाने वाले हैं 1/4 कप बेसन यूज़ करेंगे। आधा कप हमने ये फ्राइड मेथी है, यानी इसकी कच्चापन दूर हो गया, इसको हम रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। तो जब भी आपका मन करे आप ऐसे तैयारी करके रख लें और फटाफट अर्ली मॉर्निंग बनाएं। इसमें हमने अजवाइन को एज यूजल, जब भी हम पराठे का आटा लगाते हैं पूरी का आटा लगाते हैं तो अजवाइन हाथ से मसल के डालते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च ली है और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। 2 पिंच के करीब हमने हींग लिया है, 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो वो मैंने डाल दिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप मत डालिए, हरी मिर्च भी आप क्रश करके डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बची हुई मेथी हम किसी और डिश में यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये मोइन, आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल का भी लगा सकते हैं। और ये है हमारा 1/4 कप बेसन, ये है हमारी मेथी, हमने अच्छे से इसको भरा है, काफ़ी सारी मात्रा में हमने ये मेथी ली है। और इस तरह के बने हुए पराठे ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि बड़े लोग तो खा लेते हैं कि टेस्ट के हिसाब से नहीं देखना है, हमें हेल्थ के हिसाब से देखना है, जबकि कच्ची मेथी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम इनको मिक्स, क्योंकि मेथी हल्की सी गीली है फ्राइड है, तो हम अच्छे से ना इसको हाथ से ऐसे मस लेंगे ताकि हींग नमक वो सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम पहले हाथ से ऐसे मस लेंगे। और भाई सर्दियां हैं, हर चीज़ ना मौसम के हिसाब से ही अच्छी लगती है। अब आप मेथी प्रिजर्व करके रख लें और आप सोचें कि भरी गर्मी में आप मेथी खा रहे हैं, नहीं, हर चीज़ मौसम के हिसाब से आपको खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेथी के फायदे हैं तो आप गर्मी में भी इसको खाते रहिए, इसकी तासीर गर्म होती है। तो ये आप पत्ते वाली सब्जियां सर्दी में जरूर आप खाइए, है ना। तो ये हमने अच्छे से कर लिया है इसको मिक्स, सारी मेथी और इसको अच्छे से हाथ से ऐसे मिक्स कर लिया है। अब हम ना बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें ना ये ऑलरेडी थोड़ा सा मॉइस्चर हो गया है मेथी के कारण, तो बहुत थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के और ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट आटा लगाएंगे इस तरह से। और ये देखिए मुझे लग रहा है मेथी जो है ना पर्याप्त मात्रा में है, काफ़ी सारा हरा हरा ये दिख रहा है, बाकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी और डालनी है तो और डाल सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ आपको दिखाऊं, देखिए मेथी कैसे इसमें चारों तरफ है। तो आटा लगाते हैं और आपसे मिलते हैं। और ये देखिए अब हम इसे 10 से 15 मिनट्स रेस्ट के लिए रख देंगे आटे को ढककर। 15 मिनट हो गई हैं और आटा जो है ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। एक बार और हम इसे चिकना कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर तोड़ेंगे इसकी लोइयां। जब आटा थोड़ी देर रख देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हम ये लोई तोड़कर सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। देखो कितना अच्छा ये ग्रीन ग्रीन कलर का आटा लगा है, क्योंकि इसमें ना जैसे आप कच्ची मेथी डालते हैं तो आपको बहुत सारी जैसे डालनी पड़ेगी और फिर वो
आते हैं कच्चे कच्चे पत्ते मुंह में, और अगर आप ऐसे करके डालते हैं ना तो फिर वो काफी सारी मेथी डल जाती है थोड़े से आटे में, एक कप आटे में। ये मैं घी देखिए मैंने पिघाल लिया है और ये थोड़ा सा लगा रही हूँ इसके ऊपर मैं घी। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम ये सूखा आटा डस्ट स्प्रिंकल करेंगे। और इसको अगर आप तिकोना बनाना चाहते हैं तो तिकोना बना सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे भी ना हम क्या करेंगे, अगर इसको आपको कई लेयर्स में लगाना है ना तो यहाँ पे भी हम इसके ऐसे हल्का सा घी लगा देंगे। ठीक है, और फिर इसको बेलेंगे हल्के हाथ से, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। बहुत ज्यादा पलौथन ना लगाना नहीं तो वो जलने लगता है तवे के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पराठे का जो कलर है वो भी अच्छा आएगा। और ये देखिए बिल गया है हमारा पराठा, तवा गरम होने रख दिया है और अब हम ये इस पे पराठा डाल देंगे। इसको सिकने की इंतजार करते हैं, तब तक हम दूसरा पराठा बेलते हैं। इस पर हमने सूखा आटा लगा लिया है, इस तरह से बेल लेंगे। ठीक है, जितने बड़े आप बनाना चाहें उतने बड़े पराठे बना सकते हैं। देखिए बहुत स्मूथ हो गया आटा, कुछ देर रखने के बाद ना इस तरह से हो जाता है। अब हम इस पर लगाएंगे घी, क्योंकि हम तिकोने पराठे बना रहे हैं तो सारे ही हम तिकोने बनाएंगे। और इस तरह से बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलना है आपको, बहुत आसानी से बेल जाएगा। ठीक है ना, और कोई भी शेप में आप गोल बना सकते हैं, आप चौकोर बना सकते हैं, जैसे भी आप खाना पसंद करें वैसे आप पराठे बना सकते हैं। तो ये हमने दूसरा पराठा भी आपको बेल के दिखा दिया है। पराठे को हम पलट लेंगे, ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन यहाँ पे होना शुरू हो गया है। इसी समय हम ना जब तक उधर से सिक रहा है इस पे लगा लेंगे घी। चारों तरफ से घी ऑयल जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, ना तवा ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा। और देखिए कितना अच्छा ये पराठा फूल गया है हमारा, है ना, कितना अच्छा कलर है और पराठे का देख सकते हैं आप, है ना। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी पराठे बनकर ये हमारे तैयार हो जाएंगे। हल्का से ऐसे प्रेस करते हुए चारों तरफ से इसको सेक लेंगे और आपको यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ से पराठा जो है बहुत बहुत अच्छे से सिक रहा है। जिधर से भी किनारे से आपको और थोड़ा फ्राई करना, देखिए ये खुल गया है लेयर भी, क्योंकि हमने इसमें अंदर भी घी लगाया ना। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए पराठा कितना बढ़िया सिका है और आप ये देखिए इसके लेयर्स, वाव। तो ऐसे ही दूसरा पराठा सेक लेते हैं, इसको भी सिकने की इंतजार करते हैं। ये देखिए हमने लगा दिया है एक तरफ घी, इधर भी जब ऐसे सिकना शुरू हो जाए ना तो फिर आप दोनों तरफ से इसको घी लगा के सेक दें, तेल लगा के सेक लें, कम लगा के सेकें, रोटी बना लें, मतलब चॉइस आपकी है, जैसा आप खाना चाहते हैं वैसा खाएं। हमने तो आपको एक मेथड बताया है और फिर कभी कभी तो पराठे सभी घर में खाते हैं, है ना। ये देखिए बहुत अच्छे से फूले फूले, और क्योंकि हमने अंदर से, मैं कह रही हूँ ये देखिए इसकी लेयर अभी सिकने लगी है, तभी आप इसकी लेयर देखिए पराठे की क्रिस्पी, और थोड़ा धीमी आंच पे आप सेकेंगे ना तो क्रिस्पी बन जाएगा। ये देखिए करते हैं प्लेटिंग, और ये देखिए हमारे यम पराठे बनकर तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और मेथी देखिए कैसे भरी हुई है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ ये देखिए क्रिस्पी हैं,
आप मक्खन रख के खाइए, जैसे मर्जी आप खाइए, चटनी के साथ खाइए, जरूर इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।